हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी गर्ल आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सो so, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीसो की सबसे अच्छी और बहुत ही लेटेस्ट ज्वेलरी का रिव्यू तो so, चलिए देखते हैं कि मैंने ये ज्वेलरी को कितने में परचेज़ किया है और मैंने जैसे इसको मंगाया है एक्जैक्टली exactly वो मुझे वैसी रिसी रिसीव हुई है या नहीं हुई है सो so, चलिए देखते हैं आपके साथ सो दिस इज़ माई फर्स्ट ज्वेलरी ये मैंने नैकलिस है ये तो इसको मैंने मंगाया था ये गले से थोड़ा चिपका हुआ होता था, उस टाइप का है तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा मिला है मुझे तो देखिए पैकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी और इसके कलर की बात करूँ मैं तो ये कलर इसका ग्रीन है देखिए बहुत ही अच्छा कलर है इसका और काफ़ी अच्छा है ये देखिए और इसकी इयरिंग्स भी बहुत प्यारे हैं देखिए मैं आपको दिखा दूँ इसके इयरिंग्स देखिए इस तरह की मुझे इसके साथ एयरिंग्स रिसीव हुए हैं और ये गले का सेट तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ पहनने के बाद ये कैसा लुक करेगा इसका प्राइस काफ़ी रीज़नेबल था तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है ये इसमें ये पर्ल्स हैं और ये यहाँ पे ये देखिए झरखें दे रखा है बहुत ही प्यारा नेक पीस है और इसमें से काफ़ी कलर थे आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से अपने मैचिंग के क्लोथ के हिसाब से कोई भी कलर परचेज़ कर सकते हैं ये ग्रीन कलर है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये हर ड्रेस के ऊपर चल जाता है इसलिए मैंने ग्रीन परचेज़ किया है तो मैं आप इसका प्राइस और इसका पिक मेंशन कर देती हूँ स्क्रीन पे और इसका पहनने के बाद आपको लुक भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगे तो फ्रेंड्स ये है मेरी नेक ज्वेलरी नेकलेस है ये पर्ल का ये देखिए बहुत ही अच्छा है और इसकी क्वालिटी की बात करूँ मैं तो इट्स अमेजिंग बहुत ही प्यारा है और काफ़ी अच्छे इसमें मोती लगे हुए हैं और इसको निकालने का भी कोई झंझट नहीं है कि टूट जाएगा या फिर इसमें से मोतियाँ निकल जाएंगी क्योंकि वायर से इस तरह से इसको लॉक किया हुआ है देखिए और आप इसको साड़ी पे सूट पे और शर्ट पे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा ये पहनने के बाद कैसा लुक करेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ और इसका प्राइस और इसकी फ़ोटो भी मैं मेंशन कर देती हूँ स्क्रीन पे एक्चुअली ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाए थे तो मुझे इसके प्राइस का अभी कोई आइडिया नहीं है और मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि ये कितने का मंगाया था तो so, देखिए ये है मेरी नेक्स्ट ज्वेलरी ये ऑक्सीटाइज चल रही है अभी बहुत ट्रेंडिंग में है ये देखिए इसको मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि इस टाइप की एयरिंग्स मेरे पास ऑलरेडी थे तो ये उसमें अच्छे से मैच करेगा फ़िलहाल ये मीशो पे अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है इसके प्राइस की बात करूँ मैं तो ये वन एट्टी का है ये देखिए बहुत ही अच्छा है और सिल्वर में है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको भी आप किसी भी ड्रेस पर पहन सकते हैं साड़ी वग़ैरह पर बहुत अच्छा लगेगा ये देखिए और प्राइस भी काफ़ी ठीक था इसका इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया तो so चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ सो so हमारी नेक्स्ट ज्वेलरी है ये देखिए झुमका ये मैंने मीसो से परचेज़ किया है और इसकी बात करूँ मैं ये तो काफ़ी हैवी है और काफ़ी बड़े भी हैं ये देखिए आप अगर इसको पहनते हैं और अपने गले में भी आप कोई नेकलेस वग़ैरह ना डालें केवल यही पहने तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये देखिए मिरर है ये ऑरिजिनल मिरर है ये यहाँ पे स्टोन लगे हुए हैं और काफ़ी हैवी है ये देखिए इसका भी मुझे प्राइस याद नहीं है तो मैं इसका स्क्रीन पे आपको पिक मेंशन कर दे रही हूँ और उसके साथ उसका प्राइस भी मेंशन कर दे रही हूँ ये देखिए बहुत ही अच्छे हैं ये सिल्वर में है और मैं इसको पहन के दिखा देती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसा लुक करेगा फर्स्ट ज्वेलरी है मेरी ये सेट ये देखिए इयर बहुत ही प्यारे हैं पिंक कलर है ये बेबी पिंक बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें भी आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे ये भी 200 के अराउंड था इसका भी प्राइस मुझे याद नहीं है तो मैं इसका पिक और उसके साथ इसका प्राइस भी मेंशन कर दूंगी ये मुझे इयर और ये मांग टीका रिसीव हुआ था ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है और इसमें भी बहुत सारे कलर थे सो तो आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप अपने पसंद के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं देखिए ये भी मैं आपको पहनने के बाद लुक दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है कैसा लगा आपको हमारा आज का ज्वेलरी कलेक्शन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और, जाधा जाधा और आप अगर चाहते हैं कि हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें तो प्लीज़ उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मिलते हैं चलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा बाय टेक केयर एंड सी यू